था, उन्होंने चालान काट दिया, तो तुम लोग हेलो गाइस, कैसे सारे सारे आए, होप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ, आप लोग भी बढ़िया। आज एक और न्यू व्लॉग शुरू करने वाला हूँ। आज हमारा व्लॉग शायद बाहर का होगा, क्योंकि मुझे बाहर जाना, कल वाला व्लॉग मैं कहीं जा नहीं पाया, मैं घर में ही था। तो वो भी अगर आपने देख लिया तो अच्छी बात, नहीं देखा तो जाके देख लो, वो भी बड़ा अच्छा व्लॉग था। घर में मैंने बस कुछ किया, आप लोग हम जाने वाले हैं बाहर, तो पहले मैं नहा लूँ, रेडी हो लूँ, चाय वाय मैंने पी ली, रेडी हो जाऊँ मैं, उसके बाद हम चलते हैं, दिखाता हूँ मैं कहाँ जाने वाला। निकलने के लिए रेडी हो चुका हूँ, लेकिन बस थोड़े देर वो कपड़े जो मैंने बताया था ना सुबह धोने हैं, तो वो सुबह उठ के धोए थे, सुखा के आ जाता हूँ ऊपर, ताकि मैं वापस आऊँ तब तक कपड़े सूख जाए सारे। तो चलो यार कपड़े सुखा लेते हैं, मौसम बड़ा सही हो रहा है यार, चलो कपड़े सुखा देते हैं। This is called kachha. कपड़े सुखा दिए, अब चलते हैं नीचे। तो घर से निकल गए हैं, दरवाजा हर बार बाहर खोलता हूँ मैं, और ये खुलता अंदर की तरफ है। चलो वही बात, यहाँ तक तो मास्क लगाने की जरूरत है नहीं, आगे लगाएंगे मास्क, लिफ्ट देख लेते कोई देता है तो गाइस आज कोई लिफ्ट नहीं मिली मेरे को, तो पैदल पैदल जाना पड़ रहा है मेरे को, पैदल पैदल जा रहे हैं, थोड़ी दूर पहुँच के मेट्रो ले लेंगे यहाँ से, नहीं सॉरी रिक्शा ले लेंगे मेट्रो के लिए। हम राजीव चौक आए हैं अभी, मतलब सीपी, इसके ऊपर सीपी है जो यहाँ दिल्ली के सबसे ज़्यादा फेमस है। वीडियो नहीं बना सकता, आगे देख रहे हैं लोग नहीं, मतलब पुलिस वाला देख रहा है। आपको मैंने बताया था ना परसों वाली वीडियो में कि हम कहीं जाने वाले हैं, तो वो आज वहीं जा रहे हैं। ये मेट्रो स्टेशन, ये सीपी, सेंट्रल पार्क है दिल्ली का, दिखाएंगे वो भी अगर टाइम लगा तो। PVR4 कपल ये वाला आ गए थे, लेकिन एक गलत चीज़ हो गई हमारे साथ में, जहाँ हमें जाना था वो भाई बंद पड़ा है, पता नहीं क्यों किस वजह से 10 दिन से बंद है। हम चिकन खाने जा रहे थे वहाँ पे, चिकन का इतना मतलब अच्छा मिलता है, बोनलेस चिकन हमने बहुत बार ही खाया, लेकिन वीडियो आज तक नहीं बनाई, तो सोचा था वीडियो बनाएंगे, बट वो रह गया बीच में, कुछ और खाने का देखते हैं क्या खाएंगे। मास्क ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पुलिस वाले घूमते रहते हैं, वो कभी चालान काटते हैं हमारा, तो देखते हैं कहाँ जाएँगे क्या खाएँगे। तो जहाँ जाने का सोचा था वो तो प्लान बना नहीं, बात बनी नहीं, उसमें तो कुछ खाने आए हैं वो ही बर्गर के। तो गाइस ऐसा है, आपको बताता हूँ मेरे साथ हुआ क्या, मैंने खाना वाना तो खा लिया, मतलब मैं जहाँ गया था मैंने कुछ खा तो लिया, बट मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, किस्मत शायद ख़राब है मेरी, एक चालान और मिल गया मेरे को, मैं मास्क मेरा ऐसे था, उन्होंने चालान काट दिया, तो तुम लोग थोड़ा बच के रहा करो यार, मेरी तो किस्मत ख़राब है अपनी, क्यों करो तुम, तो फ्रॉम क्या फ्रेम क्या सारा वो बता देना मेरे को। तो चालान मेरा कट गया भाई, ठीक है, अभी देखते हैं हम वो जो इलेक्ट्रिक वाली साइकिल होती है ना वो देखने जा रहे हैं, अगर मिल जाती है ना तो उसमें बनाएंगे वीडियो बढ़िया वाली, ठीक है। और चलो चलते हैं, चलान तो चलो कट गया, सर क्या करें, अब भर भी दिया मैंने, 500 रुपये फाइन लगा इसका मेरा, चलो चलते हैं। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिक साइकिल लेनी है, पूछ पूछ के आ रहा है, मैं पता नहीं था कहाँ मिलती है, दूसरी बार साइकिल मिल जाती है, तो देखो ये इंदिरा चौक है, यहाँ से सीधे चले जाना, ये शायद मेट्रो है, पता नहीं, हाँ मेट्रो है सर। साइकिल लेने आया था मैं, बट इसमें बहुत सा पंगा है, इसमें डिपॉजिट वगैरह ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, उसके बाद सारा कुछ होता है, अभी देखते हैं करने के बाद आपको दिखाता हूँ चलाते क्या कुछ। देखो ऐप के अंदर मैं कर रहा हूँ,
देखते हैं भाई करके होता तो नहीं होता। एक जने बैठ सकते हैं, दो नहीं बैठ सकते क्या? देना पानी दे दो। ये साइकिल हमने ले लिए, यहाँ से स्कैन करना पड़ता है इसको यहाँ से। अभी मेरे वाले की किस्मत अच्छी है मेरी, क्योंकि जो लड़के खड़े हुए थे ना उनकी भाई बैटरी उनको मिली नहीं थी फुल। देखो मेरी किस्मत अच्छी है, थोड़ा घुमा के लाता हूँ उन लोगों को, राइड दे के आता हूँ। यहाँ से रास्ता है, यहाँ से रास्ता ही नहीं है, हमें रोड से जाना पड़ेगा। जी हमने रख दी, हम इसकी राइड कैंसिल कर दें इसमें। यार डेढ़ डेढ़ लगता है आपको, 8 मिनट हो गए देख लो मेरे को, कितना टाइम लगा होगा। एंड कर देते हैं राइट, इसकी कंफर्म कर देते हैं। साइकिल हमने लगा दी, अब हम जा रहे हैं देखिए सवार सेंट्रल पार्क। तो गाइस राइड अच्छी थी, बट थोड़ी प्रॉब्लम ये थी कि टाइम नहीं था मेरे पास और बना नहीं सकता था मैं। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो पूरी राइड दिखाएंगे आपको। मेरे को समझ नहीं आ रही पहली बारी में, वो उस बंदे ने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे करना पड़ता है, ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, वजह से मैं आपको सारा कुछ बता दिया। पार्क में जाते हैं, दिखाते हैं आपको कैसा माहौल है लॉकडाउन के बाद। यह है गेट एंट्री सेंट्रल पार्क की, ये पानी का लगा हुआ है। रंगीन कपल देखने को मिल सकते हैं। सेंट्रल पार्क ऑफ दिल्ली, मैंने बहुत से प्रैंक देखे होंगे, प्रैंक होते रहते हैं यहाँ पे। कुछ कपल्स भी लेट जाते हैं, थोड़ा सा कपड़े ना खराब हो जाए तो आपको बताता हूँ यहाँ का माहौल कैसा है। यहाँ का माहौल बड़ा ही सेक्सी सा है, लेकिन थोड़ी गर्मी ज़्यादा है यार, पसीने इतने आ रहे हैं ना, मतलब कुछ बता नहीं सकते, हवा चल रही है। अब मैं आपको कैसा दिख रहा है मेरे को बता देना, दिखाई भी दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा थोड़ा सा आपको, अब सही आ रहा होगा। इसमें पीसफुल भी है थोड़ा, तो हमें राइड में मज़ा आया, खाने में मज़ा आया, लेकिन जो चाहा था वहाँ नहीं हम जा पाए। जैसे हमने आपको बताया ना नॉन वेज वाला, बताएंगे आपको पर कर लेंगे भाई। अभी चलान कटवाया मैंने थोड़ी देर पहले, और नहीं कटवाना चाहता, कल एक परसों कटवाया था, एक आज कट गया, हम लोग कटता रहेगा मेरा तो बस। ये मौसम देखो कितना खतरनाक हो रखा आज, ये देखो क्या बात है, बड़ा अच्छा मौसम हो रखा है यार आज तो, मतलब मज़ेदार बारिश की जाए। ये बार जाने का प्लान था, लेकिन भाई इतना गंदा मौसम हो गया, मतलब ख़राब, अच्छा से बोले तो अच्छा हो गया लेकिन वैसे ख़राब हो गया। दिखाता हूँ आपको मौसम कैसा हो रखा है। ऐसा मौसम हो गया भाई ख़राब, इसलिए मेरे को जल्दी जाना पड़ रहा है, मेट्रो का वेट कर रहे हैं, मेट्रो भी आ गई है। जिस वजह से मैं भाई लेट आया था ना, ये देखो मौसम ऐसा हो रखा है, बड़ा अच्छा वैसे तो मौसम है। कितनी भीड़ है देख लो भाई जाने के लिए। आप लोगों को सबसे ख़तरनाक चीज़ बताता हूँ,
ये देखो लाइन दिख रही है मेट्रो की, कहाँ तक है? बाहर तक, और वो अंदर से लेके बाहर तक लाइट है। तो भाई कितनी बाहर तक है ये, बंदा जाए तो कैसे जाए? दो एक किलोमीटर दूर होगा आराम से, आधा किलोमीटर तो होगा ही होगा। भाई बारिश से बचे घर तो आ गए, लेकिन उसमें जो कपड़े सुखाए थे ना वो मुझे लगता है भाई उड़ गए होंगे। तो देखते फटाफट चलते, दरवाजे तो खुला पड़ा है, एक मिनट रुको जरा। तो भाई कपड़े ये ले आया था उठा के, मेरे को लगा उड़ गए होंगे, इतनी ज़ोर से आंधी आई थी। अब भाई मेरे को लगा सारा कुछ उड़ जाएगा, बट बच गया फाइनली। तो कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया था, वो लेने आए हैं, फ़ोन आ गया उसका। तो कुछ खाने के लिए मंगाया शाम को, ये चलते हैं खाते हैं। आ गया भाई जोमेटो वाला, पे आ चुका हूँ मैं। आज का दिन काफ़ी अच्छा था, वीडियो यहीं तक रहेगी, आगे बहुत लंबी हो जाती वीडियो, मैं बनाता भी बहुत से काम थे मेरे को जो बाकी रह गए मेरे, लेकिन मौसम ख़राब हो गया इतना कि मेरे को भाग के आना पड़ा, मेरे कपड़े भी पड़े हुए थे, बहुत सी प्रॉब्लम थी। तो बारिश बारिश ना आ जाए फिर घर भी पहुँचना, और मेट्रो में इतनी भीड़ आपने देखा ही होगा, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई। शुक्र मैं टाइम से आ गया, वरना आज तो मैं फंसने वाला था पक्का, मतलब किस्मत अच्छी मेरी, ठीक है कोई बात नहीं, इतनी बुरी भी नहीं है, चालान कटा तो क्या होगा, लेकिन अच्छी किस्मत टाइम से आ गया मैं। और कपड़े बच गए, तुमने उतार लेते सारे कपड़े, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ले आया था पता नहीं उसमें जो भी है, मतलब बच गए कपड़े, उसके बाद थोड़े से बड़े थे उससे मैं ले आया था। तो ये व्लॉग छोटा हो सकता है, थोड़ा छोटा या फिर मतलब इसकी लेंथ छोटी छोटी हो सकती है, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें थी जो करना था लेकिन वो रह गई। तो कल करेंगे, ये वीडियो यहीं तक है, वन वीक चैलेंज आपको पता ही है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट मार देना, ठोक देना, मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय करा।